एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज ना हम फिर से एक बार कारवार में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। एक साल पहले भी हम आए थे इधर ब्रेकफास्ट करने, तो आज कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे अरामने वेज कॉर्नर, इसके सामने हम लोग खड़े हैं, इसके अंदर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैंगलोरियन फूड टाइप यहाँ पे मिलता है आपको। और है कहाँ पे ये? छत्रपति शिवाजी सर्कल के जस्ट सामने ही, सब्जी मंडी के ओपोजिट। तो चलो पहले अंदर चलते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं, टेस्ट वगैरह सब बताएंगे आपको कि कैसा रहा, कितना प्राइस पड़ा सारा कुछ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। तो अभी हमने जो ऑर्डर किया है वो किया है, हरविंदर ने मसाला डोसा, अक्षु ने इडली और वड़ा का प्लेटर, मैंने बनाना बंस का प्लेटर। तो अभी आ जाने देते हैं। और पीने के लिए हरविंदर ने चाय, मैं एक जूस करूँगी, देखती हूँ। जूसेस भी यहाँ सस्ते हैं, 40 रुपीज़ का जूस है। और अक्षु ने बनाना मिल्क शेक किया, वो भी 40 रुपीज़ का। दोनों तो चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पर, इतना कोई खास महंगी नहीं है। तो ये इधर इनके आइटम्स हैं, इधर ये डोसा हो गया है और बनाना बंस हो गए, इडली हो गई, ये बड़ा है, इसको मेंदू बड़ा बोलते हैं। इधर की तरफ इनका किचन चल रहा है, और ये बाहर भी स्पेस है काफ़ी सारा खाने का। इधर रिसेप्शन है, और रेट्स वगैरह हैं, ये नॉर्मल रेट्स हैं, ये रेट्स हैं इनके मेन्यू में। इधर की तरफ ये सूप्स वगैरह हो गए सारे नॉर्मल, बहुत मतलब रीजनेबल मेन्यू है। इधर की तरफ ये टी वगैरह, और ये सारा इधर पे हो गया है, सेम ही है। तो ये मेरे बनाना बंस आ गए हैं, अरविंदर का डोसा आ गया, मसाला डोसा, और अक्षु का जो इडली और वड़ा का प्लेटर था वो आ गया। इसमें दो इडली है, एक वड़ा है। और प्राइस ना मैं बाहर चल के सबके बता दूँ किसका क्या क्या है। और अक्षु को भी प्लेन डोसा और खाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये ख़त्म करेगा, फिर प्लेन डोसा लेगा। प्लेन डोसा ट्राई कर रहा है, मसाला डोसा है, अच्छा बना है काफ़ी, एक बाइट में खा चुका ऑलरेडी। और वो भी सांभर भी अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, सांभर का टेस्ट ना हल्का मीठा है, तो डोसा भी अच्छा है, पनीर बड़ा भी टेस्टी है। और मैंने जो बनाना बंस लिए थे ना, इसके साथ चटनी तो सेम आई है, ये भाजी है मेरे पास, मतलब सांभर नहीं है। और टेस्ट अच्छा है, बंस की अच्छी बात यह है वो निकालती है अंदर से, खा ली है ऐसा मुझे खा लिया, मतलब जैसे इसके अंदर बहुत सारा आटा भरा रहता है ना, मतलब वो अच्छा नहीं लगता, ये एकदम फूला हुआ है, फूला हुआ मतलब कच्चा आटा नहीं है इसके अंदर। ये बनाना मिल्क शेक और ये वाटरमेलन जूस आया। तो ये और टेस्ट करके बताते हैं दोनों, चलो जी पियो। और बनाना मिल्क का 40 रुपीज का है, तो ब्रेकफास्ट हो गया अपना। और ब्रेकफास्ट में हमने जो खाया है, मैंने मसाला डोसा खाया था जिसकी कॉस्ट था 40 रुपीज, मोनिका ने खाया था बनाना बन, वो भी 40 रुपीज का था, दो बनाना बन आए थे। हाँ, और अक्षु ने खाया था वो इडली बड़ा, वो 48 का था, दो इडली थी और एक बड़ा था, और जूस जो थे वो 40 रुपीज के थे दोनों। और चाय 10 रुपए की, तो टोटल जो पड़ा वो 228 पड़ा। और टेस्ट की बात करूँ तो बहुत सही था, स्पाइसी नहीं था बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज थी। जो मसाला डोसा था ना, जो पेट में आग सी कर देता है, बहुत ज्यादा मसाला डाल देते हैं, वो वैसा नहीं था, काफी वेजिटेबल्स उसके अंदर थे, कैरेट्स वगैरह सब डाला। हाँ, तो अच्छा लगा। जूसेस की भी मैं अच्छी बात बताती हूँ, देखो जैसे फ्रेश जूस निकाल के दिया उसने, और वैसा नहीं था, मतलब जैसे आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं लगा मुझे उसमें। हाँ। और फ्रेश जैसे निकाल के देते ना, तो 80-90 रुपीस का मिलता है यूजली, बिल्कुल यहाँ पे 40 का था सिर्फ। और मुझे और अच्छा लगा बनाना शेक। हाँ,
और ये जो हम वीडियो मतलब वहीं पे बैठ के बनाते हैं ना, कई बार वहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम भी होता है, बट एक्चुअली ये इसलिए बनाते हैं, वहाँ पे एक्चुअल फील आता है, एक्चुअल पता चलता है। अगर हम पहले से उसको बोले कि यूट्यूबर है ये, तो ऑब्वियसली वो तो सीधा बिल्कुल हमें अच्छा ही लाके देगा ना, मतलब और कोने में बैठाएगा, वो तो प्री प्लान वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम बिल्कुल वहीं पे जाके बताते हैं, और जब खाने लगते हैं तब हम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो इसलिए जो जैसा मिलता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट पता चलता है हमें, जैसा वहाँ पे नॉर्मल होता है। सो गाइज, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो इस एरिया के ऐसे फूड के और स्टे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस पे। हाँ, क्योंकि कारवार पास ही है तो कभी कभी हम आ ही जाते हैं। कारवार के हम अगर आगे ट्रिप कर रहे हैं कर्नाटका की, या नीचे कहीं भी साउथ इंडिया साइड, तो वहाँ का भी आपको फूड वगैरह सब बताते रहेंगे आगे। और गोवा तो अपना चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा परमानेंट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।